यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएसजे एज वेल एज एमपीसीजे, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे अलग होगी, तो आओ इस वीडियो में जानते हैं। देखो, दिस वीडियो इज अबाउट एमपीसीजे वर्सेस यूपीपीसीएसजे। इनकी स्ट्रैटेजी अलग कैसे होगी, इनकी तैयारी कैसे होगी, पढ़ना कैसे है, आंसर लिखना कैसे, सारी चीजें क्रक्स में जानेंगे आज के छोटे से वीडियो में। ठीक है, देखो ध्यान दो। एमपीसीजे फॉर दोज हु डू नॉट नो इज एन एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट करवाता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, एमपी का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है वो एमपी हाई कोर्ट करवाता है और यूपीपीसीएसजे पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्टेड एक एग्जामिनेशन है। दोनों ही एग्जाम से आप जाकर के जज बनते हो एट द एंट्री लेवल, राइट? एंट्री लेवल जूनियर डिवीजन आप जज बनकर के सिलेक्ट होते हो एंड वहीं से आपकी जुडिशरी की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। अब ध्यान दो, हाई कोर्ट अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है तो पेपर सेट करने वाले व्यक्ति हाई कोर्ट के होते हैं, राइट? या फिर प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, इन लोगों की मदद ली जाती है बट सेट करती है हाई कोर्ट की रजिस्ट्री। सेकंड, पेपर चेक करने वाले लोग हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस होते हैं। दे आर द जजेस, राइट? डिस्ट्रिक्ट जज सुपर स्केल के हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, जो भी सिलेक्ट किए जाते हैं पेपर चेक करने के लिए, करेक्ट? सो देयर इज अ लॉट जो पेपर चेक कर रहे हैं एंड देन इंटरव्यू लेने के लिए भी हाई कोर्ट के जजेस ही बैठते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो पीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है वहां पीएससी के ऑफिशियल्स, प्रोफेसर्स, ये लोग होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में डीपली शामिल होते हैं। इनफैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेटिंग ऑफ द पेपर टू इंटरव्यू, पीएससी ही सारी चीजों को रेगुलेट करता है। ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों के अप्रोच में बहुत अंतर है। हाई कोर्ट बहुत सारे एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाता, हाई कोर्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। ऑन द अदर हैंड, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है, हर तरीके की भर्तियां पीएससी के थ्रू होती हैं और इसलिए उन्हें अलग तरीके का एक्सपीरियंस है एग्जाम कंडक्ट करवाने में एंड उसको चेक करने का। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या सीखने को मिला, हमें यह सीखने को मिला कि यहां पर जो बंदा सेट कर रहा है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस कंडक्ट नहीं करवाता, तो उसको एक्ट से ज्यादा लेना देना है, उसको जजमेंट से ज्यादा लेना देना है, उसको सही जवाब से ज्यादा लेना देना है, उसको कॉमेंट्रीज से कम मतलब है। आया समझ? जो हाई कोर्ट कंडक्ट करवाएगा उस एग्जामिनेशन में अथाह कॉमेंट्री और ये और वो कोई मतलब का नहीं, वो सारी चीजें मांगी ही नहीं गई है। ऑन द अदर हैंड, जब पीएससी कंडक्ट करवाएगा तो पीएससी को सिर्फ एक्ट, जजमेंट और सही से मतलब नहीं है, इनको इस चीज से भी मतलब है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन्हें इस चीज से भी मतलब है कि ज्यूरिसप्रूडेंस इस बारे में क्या कहता है, इन्हें इस चीज से भी मतलब है कि कॉमेंट्रीज इस बारे में क्या कहती है, राइट? इससे मिलती जुलती भी अगर कोई चीज है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर आपसे ए पूछा गया है तो एमपीएचसी में आप लिख करके आएंगे ए, और अगर आपसे ए पूछा गया है पीएससी में तो ए के साथ बी जुड़ा है और जेड जुड़ा है, ये पूरा आप एक बंडल बना करके इनको दे करके आएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट द एग्जामिनेशन फॉर दीज टू स्टेट्स, पॉइंट वन। पॉइंट टू, सबसे पहले अब हमने समझ लिया कि कैसे इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है और किस लेवल की हमको तैयारी करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन लाइन ऑफ कंडक्टिंग अथॉरिटी। तो एक में आपको बहुत डेप्थ में अलग अलग घूम के पढ़ना पड़ेगा, दूसरे में आपको उसी चीज पर बहुत तगड़ा कमांड रखना पड़ेगा। दैट्स द ओनली एंड द प्राइमरी डिफरेंस दैट एग्जिस्ट। सेकेंड इज द डिफरेंस इन सिलेबस। ठीक है, सिलेबस। सो एज फार एज योर एमपीसीजे इज कंसर्न्ड, सिलेबस अलग हुआ करता था, यूपीपीसीएसजे का थोड़ा सा सिलेबस अलग होता था। अभी एमपी ने कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए, यूपी ने कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए, मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई कि आप एक तैयारी करेंगे, आपके बहुत सारे स्टेट्स आज की तारीख में तैयार होंगे, बिकॉज दीज स्टेट्स आर कमिंग एट पार विद ईच अदर, चाहे वो सिलेबस के टर्म्स में हो, चाहे वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के टर्म्स में हो, इन सब का लेवल चेंज हो रहा है, इन सब का स्टेटस सिमिलर होता जा रहा है, इसलिए तैयारी अब स्टेट वाइज कम होती है, तैयारी अब होती है जुडिशरी एग्जामिनेशन की।
राइट सो अब कुछ कुछ सिलेबस मिलता जुलता हमारे लिए हो गया है, बट यहां पर लॉ का वेटेज बहुत हैवी है। ऑन द अदर हैंड यहां जीके का वेटेज उतना नहीं है, ठीक है, पर उतना नहीं है। तो जीके में मान लीजिए आपके 20 सवाल आ रहे हैं, तो इस 20 सवाल में से कुछ आपके मध्य प्रदेश स्पेसिफिक होंगे, कुछ आपके जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो होंगे, और एक दो आपके हु इज हु हो जाएंगे, एंड लास्टली कुछ आपके इंटरनेशनल इवेंट से संबंधित होंगे। दैट्स इट, राइट? मोस्टली इसी के अराउंड आता है। एमपी स्पेसिफिक आ जाएगा, करंट अफेयर्स, राइट, रीसेंट इवेंट, करंट अफेयर्स, हु इज हु, एंड कुछ एक आध इंटरनेशनल नेशनल बड़े इवेंट्स या बड़ी पॉलिसी अगर कोई इंट्रोड्यूस हुई है, अगेन करंट इवेंट्स में वो कवर होता है। ऑन द अदर हैंड जब आप यूपी का पार्ट देखेंगे तो यूपी में लॉ पर भी अच्छा कमांड होना पड़ेगा, और साथ में जीके पर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जीके का यहां बहुत हैवी वेटेज आता है, राइट? एंड उस हैवी वेटेज में लेट मी शिफ्ट दिस इस साइड पर, उस हैवी वेटेज में आपसे हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, आपसे जियोग्राफी भी पूछी जा रही है, आपसे कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आ रहे हैं, आपसे करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, आपसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स भी पूछे जा रहे हैं, एवरीथिंग। सो यहाँ जीके का जो लेवल होता है वो लेवल बहुत हाई हो जाता है, राइट? वो बहुत डेप्थ में सवाल आता है और बहुत ब्रॉड उसका होराइजन हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा सिस्टम है कि जनरल नॉलेज पर आपका अच्छा कमांड है, बहुत सारे बच्चों का होता है कि मेरा जीके अच्छा है, अगर जीके अच्छा है ना, गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, गो फॉर बिहार, राइट? यहां जीके आपको जीत दिलाएगा। क्यों दिलाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, लॉ तो सारे पढ़ के आ रहे हैं, जीके पर उतना अच्छा कमांड नहीं रख पा रहे, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस इन सिलेबस, ठीक है? सब्जेक्ट्स पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा कि इसमें ये सब्जेक्ट आएगा, उसमें वो सब्जेक्ट आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है? सब्जेक्ट समय समय पर बदल जाते हैं। अभी लास्ट टाइम जब यूपी हुआ था, सब्जेक्ट चेंज हुए, अभी लास्ट टाइम जब एमपी हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुए। तो सब्जेक्ट्स की फाइनलिटी पर मैं नहीं जा रहा हूं, फिर भी अगर आपको पढ़ना है, पढ़ना शुरू करना है, तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है ना, आप उससे अपनी पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आता ही है, आईपीसी या फिर बीएनएस आता है, सिमिलरली सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एंड बीएसए, राइट? ये तो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए। चौथा सीपीसी, ऑफ कोर्स सीपीसी का हेवी वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्रेजुअली द पेपर सेटर्स रियलाइज्ड कि जो बच्चे आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी इतना अच्छा पढ़ करके आ रहे थे, और सीपीसी नहीं पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि सीपीसी का वेटेज कम था, एंड एग्जैक्टली जो उन्हें काम करना है वो सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो बहुत कम लेना देना है, राइट? सो पेपर पैटर्न्स हैव बीन चेंज्ड, एंड धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज कम करके, खत्म नहीं, कम करके सीपीसी का वेटेज एग्जामिनेशन में बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इन ये जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके चार और एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेजर हो गए। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये चार और हो गए। ये थोड़े सेमी माइनर की कैटेगरी में चले जाते हैं। ऑलराइट, सो इन आठ सब्जेक्ट से आप अपनी पढ़ाई बेशक शुरू कर सकते हैं। एक से नहीं, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। इन नौ सब्जेक्ट से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बाकी के जितने भी हैं, लोकल लॉज हैं, अनऑर्थोडॉक्स लॉज हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन सेंट्रिक लॉज हैं, आईटी एक्ट संबंधित हैं, राइट, इन सब चीजों को आपको देखने का एम्पल टाइम मिल जाएगा। जैसे ही सिलेबस आएगा, यू नो, या जहां की भी तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस सिलेबस के बेसिस पे यू नो कि मुझे क्या करना है। लैंड से संबंधित लॉज आपको पता होने ही चाहिए, टीनेंसी से संबंधित लॉज आपसे पूछे ही जाते हैं, राइट? कुछ अभी जो चीजें चल रही हैं वो है विमेन एंड चिल्ड्रन सेंट्रिक लॉज, उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सारे ही स्टेट्स में, राइट, लगभग सारे स्टेट्स में। तो उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज रख करके शुरू कर सकते हो, लेकिन उस पे किसी पर भी जाने से पहले ये इंश्योर कर लो कि इस पूरे पर आपका बहुत अच्छा कमांड हो। अगर इस पर अच्छा कमांड है तो बाकी सारी चीजें खींच के निकाल लोगे, इस पर अच्छा कमांड नहीं है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज सिलेबस। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एज वेल। जब आप एमपी का पेपर देते हो, राइट, तो यहां आपको
टाइम मैनेज करना उतना बड़ा इशू नहीं है। यहां पर टाइम मैनेजमेंट आपका बड़ा इशू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चंस, एज आई सेड, पीएससी है, थोड़ा डिटेल में आंसर चाहता है। तो अब जब आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, लॉ तो वही है, उसको एक्सप्लेन ही तो करना है, समझना। तैयारी अलग तरीके से नहीं होगी, माइंड यू, तैयारी अलग तरीके से नहीं होगी, लॉ वही पढ़ोगे, वैसे ही पढ़ोगे, बस आंसर लिखने का तरीका बदलेगा। आप एमपीसीजे में उतना डिटेल, उतना एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें नहीं बताओगे, लॉ बताओगे, लॉ पॉइंट पर खेलोगे। ऑन द अदर हैंड, यूपी में आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, आप उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाओगे। वन, सेकेंडली, एमपी में आपके पास इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू यूपी, जहां पर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक। थर्डली, यहां पर कॉन्सेप्ट्स में आप बिल्कुल डीप जाते हैं, ये यहां सिमिलैरिटी है, यहां पर भी कॉन्सेप्ट्स आपको डीप मिलेंगे। पहले एमपी में ऐसा नहीं था, आप पुराने पेपर्स देखोगे ना एमपीसीजे के, तो बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते थे, आज की तारीख में पूछे जा रहे हैं। तो आज अगर कॉन्सेप्ट डिटेल में आ रहे हैं, तो दोनों ही जगह एट पार आ गई, ठीक है। एंड लास्टली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइट इट, हाउ यू राइट इट। तो लिखने का मैंने अभी आपको बताया कि एमपी में आप टू द पॉइंट लिख करके आएंगे। एमपी में इनफैक्ट अगर 8 नंबर का एक सवाल आया हुआ है और आपको यह समझ में आ रहा है कि मैंने 2.5 से 3 पेज के अंदर अंदर पूरा आंसर समेट दिया है, तो इट इज ओके, आपको 2.5 से 3 पेज में भी 7 साढ़े 7 नंबर मिलने की पूरी संभावना है, अगर आपने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है तो। बट यूपी में हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मैं 10 नंबर का आपसे सवाल पूछ रहा हूं, या 8 नंबर का, या 5 नंबर का, तो आपकी लेंथ भी उसके प्रपोर्शनेट या उसके हिसाब से थोड़ी अच्छी हो, और आपने सारे पॉइंटर्स जो उसके अराउंड हैं उसको भी टच किया हो, भले आप डिटेल में उसको कवर नहीं कर पाए हो। और अब एक लास्ट चीज मैं बता दूं जो आपके दोनों एग्जामिनेशंस में काम आएगी, दैट इज मेक दी एग्जामिनर्स जॉब इजी। जो बंदा पेपर चेक करेगा उसका काम आसान कर दो, सेम है, चाहे एमपी दे रहे हो चाहे यूपी दे रहे हो, सेम है, राइट। उसका काम आसान कर दो, हेडिंग्स डाल दो, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंस का जो बेसिस है उसको एक साइड पे लिख दो, ऑलराइट। देन जहां पर भी कीवर्ड्स लिखे हैं उनको अंडरलाइन कर दो, सेक्शन नंबर लिखा है अंडरलाइन कर दो, मेरा काम आसान हो गया एज एन एग्जामिनर। मैं अगर कॉपी पलट करके देख रहा हूं जल्दी जल्दी, तो मुझे वो सारी चीजें अंडरलाइन की हुई, हाईलाइट की हुई दिख गई, अब मुझे उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर मुझे सारी चीजें दिख रही हैं तो मैं आपको वैसे ही बहुत जल्दी अच्छे नंबर दे दूंगा, राइट। अगर मैं देख लिया कि यार सारे पॉइंट्स तो हाईलाइट ही है जो मैं ढूंढ रहा हूं, एक्स्ट्रा ही लिखा होगा, तो मैं आपको नंबर दूंगा। बट अगर मुझे पूरा पढ़ना पड़ रहा है और उसमें मुझसे कुछ मिस हो गया, तो वहां आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मेक द एग्जामिनर्स जॉब इजी फॉर दीज एग्जामिनेशन। तो प्राइमरी डिफरेंस क्या है? आपकी तैयारी में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत अंतर नहीं है, जीके में काफी डिफरेंस आ जाता है, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट जीके इज वेरी वाइटल इन यूपी एंड रिलेटिवली वेरी वेरी लेस वाइटल इन एमपी। देन एग्जामिनेशन लिखने के तरीके में आपको अंतर देखने को मिलता है। अगर आपको और कोई डिफरेंसेस जानने हैं किसी और स्टेट के बीच में, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, वील मेक श्योर कि हम उसके बीच के डिफरेंसेस के वीडियोस भी आपके पास लाएं, ताकि आप चूज कर सकें कि आपको कौन सा एग्जाम तैयार करना है और कैसे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।